सब्सक्राइब करिए जॉब लगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एट JobLagi.com। दोस्तों, JobLagi.com में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज मैं आप सभी के लिए एक और बड़ी वैकेंसी लेकर के आई हूँ एक और बड़ी बैंक में। और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी इस नौकरी की सारी डिटेल्स की, कितनी सारी तादाद में इसमें वैकेंसी आई है और किस तरीके से आप इस नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे इस चैनल पर टाइम इनकम, फुल टाइम इनकम, साथ ही में बिजनेस आइडिया की सारी जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं इस नौकरी की सारी डिटेल्स और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, यानी कि www.joblagi.com पर। गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे हम आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, यानी कि www.joblagi.com पर। और आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहली जो नौकरी है जो कि आपकी कोटक महिंद्रा बैंक में आई है, ये है डिजिटल सेल की, जिसमें काफ़ी अच्छी सैलरी यानी कि 2 लाख रुपए से लेकर के 2,25,000 रुपए तक की सालाना सैलरी मिल रही है। साथ ही में अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 to 4 years का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं और आपने पहले कहीं पर भी काम नहीं किया है लेकिन आप एक अच्छी बैंक में काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कोटक महिंद्रा बैंक जैसी कंपनी में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन की बात करें दोस्तों तो ये दिल्ली NCR लोकेशन की वैकेंसी है। साथ ही में क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन यहां पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। लैंग्वेज की बात करें तो दोस्तों यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। साथ ही में यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी जो काम करना होगा, बेसिकली जो इनके डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जानकारी लोगों को देनी होगी और वो सेल आउट करने होंगे। साथ ही में दोस्तों यहां पर आपके पास 2-व्हीलर गाड़ी जो है वो होना जरूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आप मेल हैं या फीमेल, दोनों ही कैंडिडेट मेल एंड फीमेल कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी यहां पर मैंने आपको डायरेक्टली रिक्रूटर का मेल आईडी दिया है। अगर आप इस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करना है और डायरेक्टली अपना जो रिज्यूम है वो कंपनी के HR को सेंड करना है। सेकंड वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी असिस्टेंट एक्विजिशन मैनेजर की है जो कि आपकी दिल्ली NCR की लोकेशन में आई है। और यहां पर भी जो गाइस एक्सपीरियंस मांगा गया है ऐसा ज्यादा नहीं मांगा गया है, यानी कि आपने किसी पहले कंपनी में 1 साल या 6 महीने काम किया हो लेकिन वो सेल्स से रिलेटेड हो तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपको कोटक महिंद्रा बैंक की ये बताना चाहूंगी कि ये कंपनी आपको लीड पहले से प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको सेविंग और करंट अकाउंट जो है वो बेचने होते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी से जाकर के अप्रोच करना होता है उनको। अगर अपने करंट अकाउंट खुलवाना है या सेविंग अकाउंट खुलवाना है आपको डायरेक्टली उनको अप्रोच करना होगा। सो गाइज, यहां पर सैलरी 2 लाख रुपए से लेकर के 2,75,000 रुपए तक की सालाना मिल रही है। साथ ही में क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन यहां पर मिनिमम मांगी गई है। और लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दिल्ली NCR में आप कहीं पर भी जाते हो तो ज्यादातर हिंदी वहां पर बोली जाती है, और अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए भी ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थर्ड वैकेंसी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये रिलेशनशिप मैनेजर की है, जिसमें सैलरी काफी अच्छी यानी कि 4 लाख रुपए से लेकर के 6,50,000 रुपए सालाना मिल रही है। साथ ही में एक्सपीरियंस अच्छा खासा यानी कि 3 से 8 साल का मांगा गया है। एजुकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है। साथ ही में दोस्तों यहां पर बेसिकली जो रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है ये एक तरीके की सेल का होता है, जिसमें आप ब्रांच में जितने भी कस्टमर आते हैं उनको नए नए प्रोडक्ट रिलेटेड टू इंश्योरेंस, रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड या जो भी नए प्रोडक्ट कंपनी में आते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है और काफ़ी अच्छी सेल्स कंपनी को भी देनी होती है। सो गाइज, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं और अपना जो करियर है बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट बैंक में आप बनाना चाहते हैं, आपको करना क्या है, आपको विजिट करना है www.joblagi.com। मैंने आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप वहां से भी जा सकते हैं और जाकर के अपना जो रिज्यूमे है वो डायरेक्टली कंपनी के रिक्रूटर को सेंड करना है। तो गाइज, ये मैंने आपको 3 वैकेंसी बताई और अगर आप इस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको करना क्या है, www.joblagi.com पर जाना है। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट करिए जल्दी से जाइए www.joblagi.com पर और जा करके आज ही इन नौकरियों के लिए अप्लाई करें। साथ ही में दोस्तों मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए। सो गाइज, मिलेंगे अगली वीडियो में एक और जॉब वैकेंसी के साथ या फिर बिजनेस प्लान के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड बाय।